अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासर जी। डिस्ट्रो लास्ट हमने रिव्यू एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखेंगे और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड अननाउन वैल्यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमने इसके अंदर अननाउन वैल्यू देखनी है। अननाउन हमें नज़र आ रहा है कि इधर एक्स है, तो हमने एक्स को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल हमें दी गई है, राइट ट्राइंगल दी गई, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इसके अंदर हाइपोटेन्यूज क्या है। हाइपोटेन्यूज की बात करें तो वो हमारे पास एक्स है, और यहाँ या ऐसे अगर हम यूज़ कर लें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। ठीक हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारे पास इसमें क्या है जी, हाइपोटेन्यूज ये डायगोनल टाइप लाइन होती है जी, लेंथ ज़्यादा होती है इसकी, वो हमारे पास एक्स, तो एक्स होल पावर 2। परपेंडिकुलर हमारे पास ये 90 का एंगल जो देती है हमें, वो है 4 सेंटीमीटर, और बेस हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो सिनेरियो कुछ ये बन गया, एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 cm स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है जी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया, इनको ऐड किया तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम अगर x फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल हम क्या लिखेंगे इस जगह पर, टेकिंग x को ख़त्म कर, स्केयर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम इसका स्केयर रूट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास है x स्केयर स्केयर रूट, और ऐसे ही 25 सेंटीमीटर स्केयर स्केयर रूट, और यहाँ पर ये इससे कट गया एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो वो हमारे पास है, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है जी, जी डेट सुन, ये हमारे पास फिगर दी गई है। तो हमने इसमें अननाउन वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा कि अननाउन फाइंड करें जी। तो अननाउन वैल्यू इसके अंदर हमें एक्स नज़र आ रही है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास सिनेरियो कुछ ये है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया। तो वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर प्लस बेस जी। ये हमारे पास आ गया फार्मूला। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है जी, 10 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर होल पावर 2। परपेंडिकुलर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, और बेस हमारे पास यहाँ पर एक्स। तो हमने दरअसल फाइंड ही करना है एक्स, क्योंकि इसमें अननाउन हमारे पास एक्स है, तो एक्स को फाइंड करते हैं। तो सिनेरियो कुछ हमारे पास ये बन जाता है कि हमने करना क्या, 10 का स्क्वायर करें जी। 10 का स्क्वायर होता है 100 cm स्क्वायर, और यहाँ नेक्स्ट 6 का स्क्वायर होता है 36 cm स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर। तो ये इधर ऐड हो रहा है, इस साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाता है जी, सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलता है 64 cm स्क्वायर। ऐसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 100 में से 36 छोटा है, इधर से एक कैरी करवाएं नहीं होगा, इधर से लेंगे तो 1 कैरी किया 10, 10 से किधर गया 10, और 10 में से 6 4 इधर रह गया 9, 9 में से 3 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 6।
तो ये 64 आ गया। इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें एक्स स्केयर इज इक्वल टू 64 सी एम स्केयर, हमने दरअसल फाइंड करना है एक्स। सिंपल हम क्या कहते हैं स्केयर रूट, स्केयर ख़त्म करने के लिए हम कह लेते हैं जी टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसका स्केयर रूट फाइंड करते हैं जी हम, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है सिंपल एक्स स्केयर स्केयर रूट, और इसका स्केयर रूट लेते हैं वो 64 सी एम स्केयर। तो ये से कट गया तो हमारे पास आ गया एक्स 64 का स्केयर रूट फाइंड किया तो वो हमारे पास आ गया 8 सी एम। सी एम के साथ भी स्केयर था तो उसको भी हमने रिजॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हमारे पास 14 ऐसा है 13 सेंटीमीटर, बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और हमने अननाउन फाइंड करना है। अननाउन इधर है एक्स, तो सिंपल हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो वो हमारे पास क्या है जी हाइपोटेन्यूस हाइप परपेंडिकुलर और बेस स्केयर। तो हाइप हमारे पास है 13 सी एम स्केयर, और परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ है एक्स, और बेस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ये सिनेरियो बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करें जी, 13 का स्केयर करें तो हमारे पास आता है 169 सी एम स्केयर, और नेक्स्ट हमारे पास एक्स, तो एक्स का स्केयर सिंपल, और 5 का स्केयर होता है जी 25 सी एम स्केयर। तो ये हमने एक्स अननाउन फाइंड करना है तो 25 इधर आ जाता है, तो इसको हम इधर ले आएंगे तो सी एम स्केयर 25 सी एम स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 144 सी एम स्केयर। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 144 सी एम स्केयर। यहाँ अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसको हम इस तरतीब से लिख लें, ज़रा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ से हम इसको एक्स स्केयर को ख़त्म करेंगे, स्केयर जो है इसका के करते हैं टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्केयर रूट लें जी, एक्स स्केयर का स्केयर रूट ले लिया, ये आ गया, ये आ गया, तो ये से काट गया तो मेरे पास आ गया एक्स 144 है सी एम स्केयर। तो इसको हम लिख सकते हैं जी 12, तो 144 को आप ऐसे भी लिखें ना, साथ इसके सी एम ले लें, तो इसका अगर आप स्केयर कर लें तो इसके स्केयर रूट के साथ ये काट सकते हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे, स्केयर स्केयर रूट से काट गया तो हमारे पास आ गया 12 सी एम। तो ये हमारे पास इसका अननाउन फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं इसे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट हमारे पास है जी, एक ट्राई एक फिगर है हमारे पास, फोर्थ पार्ट सॉरी, इसमें पोटिनस दिया गया है, ये फाइंड करना है अननाउन है, और यहाँ 1 सेंटीमीटर में ये मिला हुआ है। तो हम यूज़ करना चाहें फार्मूला है बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हमारे पास आ जाता है हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास स्केयर रूट 2, परपेंडिकुलर बेस हमारे पास है जी 1 सी एम, ये इससे कट गया और ये आ गया 2 सी एम का स्केयर, तो आएगा ना साथ, तो
एक्स का स्क्वायर वैसे ही आ गया, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो ये साथ हमारे पास आ गया सी एम स्क्वायर। तो वन को इधर ले आते हैं तो हमारे पास आ गया टू सी एम स्क्वायर माइनस वन सी एम स्क्वायर, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया वन सी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर रूट अगर लेना है हमने, तो हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वन सी एम स्क्वायर, उसको दूसरी साइड पर लेगा तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो हमारे पास आ जाता है इस तरह से, ये से कट गया तो हमारे पास आ गया वन सी एम। तो इधर आप लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर वन था जिसके अंदर हमने अननोन फाइंड करना था, अननोन फाइंड कर लिया। इसमें किसी किस्म के इशू हो तो ज़रूर रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।